खत्म, बाय बाय टाटा। क्रॉसबीट्स के नए TWS ईयरबड्स क्रॉसबीट सोनिक 3 ये भी पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुए हैं और मेनली ये 2000 के प्राइस सेगमेंट को टारगेट करते हैं। और भाई 2000 के हिसाब से ना बहुत कुछ मिलता है इसके अंदर। हाइब्रिड ANC अप टू 30 dB ये चीज डाल दी इन्होंने। डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया लो लेटेंसी अप टू 40 ms और टोटल 60 घंटे तक का बैटरी बैकअप भी है। ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन है फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। इतना सब कुछ मिलता है तो देखो भैया लग तो बढ़िया रहे हैं, रिव्यू करना तो बनता है फिर अपना। तो आज हम करते हैं इसकी टेस्टिंग और ये जानते हैं क्या सच्ची में 2000 वाली बातचीत है इसमें या फिर नहीं। तो सबसे पहले खोलते हैं इसका डब्बा। कुछ इस प्रकार का हमें डब्बा मिल जाता है। यहाँ पे सोनी की लिखा हुआ है, ओके सेंटर में 3 मिल जाएगा, हाइब्रिड ANC एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हियर नथिंग बट म्यूजिक, सिर्फ गाने सुनो और कुछ नहीं सुनना, ठीक है। और पीछे की तरफ से कुछ ऐसा डब्बा है, यहाँ पे इनके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। खोलते हैं अब इसे। वाह, ऐसा व्हाइट कलर का अपना केस आ जाता है। यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है, एक टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है हमें। देखो पहली बार देखने पे मुझे ऐसा लगा कि ये बटन दिया गया, लेकिन ये बटन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ LED चलती है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसे ब्लैक कलर में लेना चाहते हो ना तो ब्लैक वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। ईयरबड्स ऐसे अलग से पड़े होते हैं केस के अंदर और जब आपके पास ये आते हैं ना, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि इन्हें चार्ज करना है। और ये ब्लू कलर के LED का ये मतलब है कि ईयरबड्स अपने चार्ज हो रहे हैं। जैसे ही खोलोगे ग्रीन हो जाएगा, बंद करने पे चार्ज होने लग जाएंगे, फिर ये ब्लू हो जाएगी। एक छोटी डिब्बी और दे रखी है, इसके अंदर हमें मिल जाएगी अपनी केबल एंड रबर टिप्स मिल जाती हैं। अपने कान के हिसाब से इसे आप फिट कर सकते हो एंड साथ में मिल जाती है केबल, कुछ इतनी लंबी केबल है इसकी, वैसे तो छोटी है। एंड ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, नमस्ते कर दी इन्होंने। और इसे घुमाने पे ना यहाँ पे QR कोड दिया गया जो कि एडिशनल 6 मंथ वारंटी के लिए है। कोड को स्कैन करो एंड 6 मंथ की वारंटी ले लो। और इसकी जो यूजर मैनुअल है ना वो भी हमें स्कैन करने पे मिल जाएगी, इसके पीछे कुछ नहीं बना हुआ। देखो ऐसे व्हाइट कलर के अपने TWS ईयरबड्स मिल जाते हैं और यहाँ पे ना ग्लॉसी डिजाइन दिया गया है। अब एक चीज यहाँ पे चेक करने वाली है कि जब भी आप इसे वेबसाइट के ऊपर चेक करोगे या फिर Amazon के ऊपर चेक करोगे ना, उसके अंदर जो फोटोज है वहाँ पे पता नहीं चलता कि ये ग्लॉसी डिजाइन वाला है, लेकिन एक्चुअल में काफी बढ़िया लगता है। 2 माइक है, एक यहाँ पे है और दूसरा ऐसे नीचे की तरफ है, क्वाड माइक सेटअप है टोटल। और एक छोटी सी LED यहाँ पे दे रखी है, बहुत ही छोटी है। और इसका जो क्रॉसबीट्स का लोगो है ना, उसका ऊपर वाला जो हाफ पार्ट है यहाँ पे, ये वाला टच सेंसर के लिए है। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है, पर इसकी फिटिंग कैसी है? तो भैया फिटिंग इसकी बढ़िया है, कंफर्टेबल है, इन ईयर डिजाइन होने की वजह से कान में एकदम घुस जाते हैं। और रबर के जो ईयर टिप्स दे रखे हैं ना, उससे अपनी फिटिंग के अंदर भी हेल्प होती है। कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, सिंपल है, सिर्फ ऐसे ओपन करो एंड पेयर हो जाते हैं। मतलब भाई सच्ची में एकदम फट से पेयर होते हैं। मतलब आपने ईयरबड्स को खोला एंड आपको अपने ईयरबड्स है ना जो वो पेयर मिलेंगे। लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया, IPX5 रेटिंग है इसके साथ। पानी वाने की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी पहनो, जिम में पहनो या फिर बाथरूम में छुपके अपने बाबूशोना से बातें करनी है ना, मतलब मजे ही मजे। चाहे आप बारिश में पहन के घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब क्या तो इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस है, मतलब एकदम ही मजेदार। मानना पड़ेगा कि क्रॉसबीट वालों ने खुश कर दिया, गाने वाने एकदम ही मस्त चलते हैं इस पे। और एक्चुअली आप इसे 100% वॉल्यूम पे यूज करते हो ना, डिस्टॉर्शन आपको बिल्कुल नहीं फील होती और ना ही इसकी ज्यादा बेस तंग करती है। मतलब ऐसा कुछ ही ना कि बेस है भी लेकिन बैलेंस बेस है, आपको सब कुछ एकदम ही क्लियर सुनाई देगा, बैलेंस सुनाई देगा। इंस्ट्रूमेंटल चाहे सुन लो, वोकल सुनने हैं, चाहे आपने जैसे मर्जी गाने सुनने हो, मतलब कि यार एक जो प्रीमियम TWS ईयरबड्स होती है ना, बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस है इसका। अपने जो बेसिक सारे टच कंट्रोल्स होते हैं ना वो तो सेम ही है, सिंगल टैप से म्यूजिक प्ले एंड पॉज हो जाता है और उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन करने का भी दिया गया है। लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना, वॉल्यूम अप डाउन हो जाती है। राइट वाले ईयरबड पे लॉन्ग प्रेस करने पे वॉल्यूम अप होती है और लेफ्ट वाले से डाउन होती है। और डबल टैप से नेक्स्ट एंड प्रीवियस भी कर सकते हो, अपनी कॉल आ रही है जा रही है, सिंगल टैप से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, डबल टैप करने पे कॉल रिजेक्ट भी कर सकते हो। और 4 बार टैप करने पे अपना जो ANC मोड है वो ऑन हो जाता है और ट्रिपल टैप से अपना गेमिंग मोड ऑन होता है। और गेमिंग से याद आया कि इसका जो गेमिंग मोड है ना उसे भी चेक कर लेते हैं फिर। ऐसे राइट वाले पे 3 बार टैप किया, अपना गेमिंग मोड ऑन हो गया। और अगर इसे बंद करना बिल्कुल ऐसे ही होता है, 3 बार टैप करने पे गेमिंग मोड ऑफ हो जाएगा। इसमें हमें जो गेमिंग की लेटेंसी मिलती है ना वो आपके सामने है, बिल्कुल साथ की साथ सब कुछ सुनाई दे रहा है। क्रॉसबीट वालों ने 40 ms मेंशन किया है, उसके आसपास ही है। अभी थोड़ा ध्यान दो। देखो एक और चीज होती है, गेमिंग के टाइम पे ना ऑडियो सेपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम सिर्फ आवाज सुनते हैं और खुश हो जाते हैं कि आवाज तो बढ़िया आ रही है और हम TWS ईयरबड्स को बाय कर लेते हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला बंदा राइट साइड से आ रहा है कि लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो वो भी एकदम ही क्लियर है, बिल्कुल छोटी छोटी आवाज भी सुनाई दे रही है। एक तो इसे पहनती बाहर की सारी नॉइस गुप से बंद हो जाती है और ANC ऑन करने पे फिर एकदम मामला और भी साइलेंट हो जाता है। और अब आप सुनोगे क्रॉसबीट की आवाज। अब ये जो आवाज है ना, ये क्रॉसबीट के सोनिक 3 से है। रूम का AC भी चल रहा है एंड फैन भी चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी क्लियर ऑडियो है। अब मैंने इसका ANC भी ऑन कर दिया, तो आप इसकी आवाज सुन सकते हो कि ये एक्चुअली में कैसा साउंड करेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इसकी आवाज कैसी लगी। देखो भाई एक्चुअली इंडोर में नॉइस आपको 100% खत्म कर देता है, और आउटडोर में ये चीज होती है कहीं पे ना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, फिर अराउंड 80% तो सप्रेस कर देगा। ये 2000 के हिसाब से काफी सही है। अब देखो 2000 के अकॉर्डिंग इसकी जो बैटरी है ना वो काफी कमाल की दे रखी है, 60 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है।
है कि इसके साथ ANC ऑन करोगे फिर थोड़ा कम हो जाएगा। ऑब्वियसली यार, बिकॉज जो ANC है ना वो कंज्यूम ज्यादा करता है बैटरी को, फिर कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो बैटरी बैकअप हमें थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन टेंशन की बात फिर भी नहीं है क्योंकि ईसर चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 10 मिनट चार्ज करने पे अराउंड 1.5 से 2 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। ये चीज भी वॉल्यूम एंड ANC के ऊपर डिपेंड करती है। देखो सिंपल आपको बता दूं कि अगर तो आपने नॉर्मली 60 से 70% वॉल्यूम पे यूज करते हो ना आप इसे, फिर थोड़ा ज्यादा देर तक चल जाएंगे। अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे यूज करते हो ना फिर 15-20 मिनट कम चल जाएंगे। लेकिन हमें उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी भी तो चाहिए अपने को। एंड इसका जो टोटल चार्जिंग टाइम है फ्रॉम 0 to 100% सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपने ईयरबड्स चार्ज हो जाते हैं। और इसका जो ड्राइवर साइज है वो दिया गया 13mm का। इस बजट के अकॉर्डिंग काफी बड़ा साइज है, बट इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता आजकल। समझ रहे हो ना। So, ये थे क्रॉसबीट्स के नए TWS ईयरबड्स। गेमिंग के लिए भी अच्छे हैं और सिंपली गाने वाने सुनने हैं वो भी चीज बढ़िया से हो जाती है। फिल्में देखना चाहते हो उसका भी एक्सपीरियंस कमाल का है। स्पेक्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड 2000 में फुल पैसा वसूल है। बस एक चीज है कि एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ अगर टच कंट्रोल्स की कस्टमाइजेशन मिल जाती ना फिर एडिशनल फीचर एक और ऐड हो जाना था, फिर और भी मजा आता है वैसे। लेकिन आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हाँ, रिव्यू वीडियोस कैसी लग रही है वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कुछ चेंजेस करना चाहते हो सजेशन जरूर देना मुझे अपनी, एंड इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। तो चलो जल्दी से बताओ अगली वीडियो कौन से टॉपिक की बनाऊं, कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू करूं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।